अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव प्रोफेशनल वर्ल्ड। आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करें। ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन की तीसरी क्लास है। हमने पहली दो क्लास में पढ़ा था टू डिजिट और थ्री डिजिट को फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेंगे। अब देखिए, हम इसे स्कूल वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि इसे मल्टीप्लाई करें जो हम स्कूल में सीखते थे, लेकिन हम इसमें ट्रिक अपनाएंगे ताकि हम इसे तुरंत कर सकें। तो देखिए वो कैसे करना है। आपको एक बॉक्स बनाना है, वो भी इन नंबर्स के अकॉर्डिंग। शुरू में आपको टाइम लगेगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए यहाँ है 2, 8, 9, 0। ऊपर भी चार कॉलम थे इसलिए चार कॉलम बन गए। इधर से भी आप चार लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद इन्हें ऐसे क्रॉस करें। मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत इजीली और कम टाइम पे से निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए 16, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 10, फिर 2 को 4 से कीजिए 8, 2 को 2 से कीजिए 4, 8 को 8 से कर लीजिए 64, ऐसे 5 से कर दीजिए 40, 4 से कर दीजिए 32, 2 से कर दीजिए 16, 9 को 8 से 8 कर दीजिए 72, 9 को 5 से कर दीजिए 45, 9 को 4 से कर दीजिए 36, 9 को 6 से कर दीजिए 18। चलिए यहाँ करते हैं 0, 0, 0, 0, 0। आपने इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया, अब फटाफट से अब इनको क्या करना है, ऐड करना है लाइन वाइज। देखिए पहली लाइन ये है 0, दूसरी ये है 8, तीसरी ये देखो ये जा रही है, पूरी लेनी है तो 6, 6, 12, 13। 13 नहीं लिख सकते, 3 लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए अगली लाइन पे। अगली लाइन है ये, तो 4, 5, 6, 8, 11, 16, तो 16 का क्या आ जाएगा 6 और एक 1 कैरी फॉरवर्ड। फिर अगली लाइन ये है 9, 12, 16, 18, 18 का 8 रख दीजिए, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए 1 को। 7, 11, 15 और एक 16, 16 का 6 रख दीजिए, एक कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए 13 और एक 14, 14 को यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ 1 और 1, 2, ये आपका आंसर है। शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आप इसे बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लेंगे रेदर देन अपने पुराने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये बहुत इजी है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्वेश्चन की डिजिट अलग अलग लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 9, 8, 9, 9 मल्टीप्लाई 70 से कर देते हैं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, सेम 9, 8, 9, 9 आप लिखिए, आपको पता है यहाँ पे आएंगे 7 और 0, नीचे दो डब्बे ही बनेंगे और यहाँ बनेंगे 4 कॉलम टाइप। कर दीजिए फटाफट से, पहले ये लिख लीजिए, ये कर दीजिए, तो 7, 9 जा 63, 7, 8 जा 56, 7, 9 जा 63, 7, 9 जा 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, काटना शुरू कर दिए 0, 3, 9, 12, 9, 6, ये आपका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
5, 8, 2, 3, 1 मल्टीप्लाई, यहाँ 5 डिजिट ले ली तो यहाँ 3 ले लेते हैं कोई भी, 9, 2, 4, लास्ट टाइम यहाँ 4 ली थी यहाँ 3, तो इससे हमें पता रहेगा कि हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं, कोई भी कहीं भी रख लीजिए, 5, 8, 2, 3, 1, 9, 2, 4। चलिए करते हैं, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 9 जा 18, 27, 09, 2 को करेंगे 5 से 10, 16, 04, 06, 02, 4 को करेंगे 5 से 20, 32, 8, 12, 04। लास्ट से ऐड करना शुरू करें, पहली लाइन काटी सिर्फ 4 है, दूसरी भी काटी तो सिर्फ 4 है, थर्ड पूरी लाइन काटते जा रहे हैं, 8, 1, 9, 9 और 6, 15, 15 और 9, 24, 24 का 4 यहाँ 2 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ से पूरी लाइन जाएगी काटते हुए, 2 और 4, 6, 6 और 7, 13, 13 और ये 15, 2, 15 का 5 यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, काटते हुए जाइए 9, 9 और 8 हो गया 17, 17 और 2, 19 और 1, 20, 20 का 0 यहाँ 2 कैरी फॉरवर्ड, 2, 1, 5, 5, 6, 7, 8 यहाँ आ गया 8। अब ये लाइन कटेगी, 7 और 5 होते हैं 12 और एक 13, 13 का एक कैरी फॉरवर्ड, 4 और 1, 5, तो ये आपका आंसर है। देखिए हमने वन डिजिट तो नहीं करा और वो बहुत इजी होता है, कोई भी कर सकता है, इसलिए हमने 2 डिजिट भी करके देख लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया और 5 भी कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी नंबर को यहाँ से इस ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जल्दी कर सकते हैं। चलिए एक डेसिमल वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं ताकि और श्योर हो जाए। बड़ी डिजिट है, कर लेते हैं 0.24 से मल्टीप्लाई, है थोड़ा टफ, मल्टीप्लाई में और टफ हो जाएगा, ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं, कोई भी चीज़ कहीं भी ले सकते हैं आप, 42 डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए फिलहाल और ऐसे लिख दीजिए, 0 को इग्नोर कर सकते हैं आप, 24 कर दीजिए, 0 पर यही फायदा है कि अगर आगे भी पॉइंट से पहले 0 है तो उन्हें इग्नोर कर सकते हो, बाद भी है तो भी 0 कर सकते हो, तो हम वही रूटीन अपना रहे हैं जैसे हमने शुरू से अभी करते हुए आ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है, पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हैं, 0, 8, 4, 2, 4, 2, 4 4 16 8 4 फिर से 8 फिर से 4, करने लगे प्लस करें, लास्ट से करना है 4, ये हो जाएगा 10 का 1 कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा फिर 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, तो ये आपका आंसर है। अब पॉइंट किसके बाद है, 3 और 2, 5 डिजिट के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर हो गया 10.10904। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई तुरंत निकाल सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।